12 विषयों को लेकर दुर्ग नगर निगम ने शुरू किया स्वच्छता प्रतियोगिता का शुभारंभ। वहीं इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी को लेकर निगम अलर्ट है। स्वच्छता प्रतियोगिता का विधायक महापौर व आयुक्त ने किया शुभारंभ। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नगर निगम दुर्ग द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन और बेहतर क्रियान्वयन हेतु विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बागलीवार और साथ ही आयुक्त हरीश मंडावी ने स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर की उपस्थिति में मंगलवार को स्वच्छतम प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शहरवासियों से अपील करते हुए विधायक वोरा ने कहा कि सबकी बड़ी कल्पना है दुर्ग शहर को पूरे देश में नंबर वन बनाने की। इस आधार पर निश्चित रूप से सभी शहरवासियों का सहयोग जरूरी है। वहीं महापौर धीरज बागलीवाल एवं आयुक्त हरीश मंडावी ने कहा कि आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में दुर्ग को नंबर वन लाने की मंशा है और पूरे देश में दुर्ग निगम स्वच्छता रैंकिंग में नंबर वन आए, इसके लिए शहरवासियों से अपील की है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा साथ दें। स्वच्छता प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अभियान के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर जैसे मोहल्ला कॉलोनी स्कूल होटल रेस्टोरेंट हॉस्पिटल आंगनबाड़ी बैंक गार्डन और आदि धार्मिक संस्थान में बेहतर सफाई एवं उचित व्यवस्था हेतु नगर निगम द्वारा प्रतियोगिता कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु प्रत्येक श्रेणी में निरीक्षण समिति बनाई गई है जो संबंधित क्षेत्र का मूल्यांकन कर निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करेगी, जिसमें सभी जैसे स्वच्छतम वार्ड धार्मिक संस्थान में उत्कृष्ट प्रदर्शन सम्मानित कर पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस संबंध में विधायक वोरा महापौर व निगम आयुक्त सहित स्वास्थ्य विभाग प्रभारी ने न्यूज टीम को प्रतिक्रिया दी। नगर निगम के अधिकारियों को महापौर को उनकी परिषद को और सभी कर्मचारियों को मैं बहुत बधाई देता हूं जिनके सत प्रयासों से पूरे देश में स्वच्छता के मामले में दुर्ग ने 17वें स्थान पर अपना स्थान अर्जित किया। यह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इनकी मेहनत के बिना यह संभव नहीं हो सकता। अभी हम चाहते हैं कि हमारा दुर्ग स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर वन रहे, 17 से नंबर वन में रैंक आए। जो अगला जो सर्वेक्षण होगा 2022 में, उसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं नगर निगम के द्वारा, महापौर जी के द्वारा, आयुक्त महोदय के द्वारा और स्वास्थ्य अधिकारी और सभी कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छतम दुर्ग प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में स्वच्छतम वार्ड, स्वच्छतम मोहल्ला, स्वच्छतम होटल रेस्टोरेंट, स्वच्छतम बाजार व्यावसायिक क्षेत्र, स्वच्छतम बैंक, स्वच्छतम हॉस्पिटल आंगनबाड़ी गार्डन और SLR सेंटर धार्मिक संस्थान श्रम बस्तियाँ, इनको सबको संवेशित किया गया है। यहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा, वो भरेंगे और उसमें यह बराबर मॉनिटरिंग की जाएगी कि इन स्थानों में सफाई है कि नहीं। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि यह प्रयास बहुत अच्छा है और इसमें हमारे दुर्ग शहर के सभी नागरिक भी इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग के बिना यह संभव हो नहीं सकता। मैं इस आयोजन की स्वच्छतम दुर्ग प्रतियोगिता की सफलता की कामना करता हूं और जो हमारी सबकी परिकल्पना है एक नंबर में जाने की, हम इस आधार पर निश्चित रूप से एक नंबर पर पहुंचेंगे और अपना स्थान बनाएंगे पूरे देश में। ठीक, क्या आप सब जानते हैं नगर निगम ने एक स्लोगन जारी किया स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 अब दुर्ग हम मैदान में आए। जैसे कि हम जानते हैं कि दुर्ग नगर निगम पहली बार पूरे देश में 17वां रैंक आया है। उसी कड़ी में आने वाले 2022 में हम सबकी मंशा है माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में, हमारे आयुक्त महोदय हरीश मंडावी जी, हमारे स्वास्थ्य प्रभारी खोखर जी और नगर निगम की पूरी टीम इस प्रयास में लगी कि आने वाले 2022 में नगर निगम दुर्ग स्वच्छतम रैंकिंग में नंबर वन आए। उसी को लेकर अलग अलग कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। अभी स्वच्छतम दुर्ग प्रतियोगिता की जा रही है। उस प्रतियोगिता में स्वच्छतम वार्ड, स्वच्छतम मोहल्ला, स्वच्छतम रेस्टोरेंट, स्वच्छतम बैंक, व्यावसायिक क्षेत्र, आंगनबाड़ी, SLRM सेंटर, गार्डन, स्वच्छतम रेस्टोरेंट, ऐसे 12 पॉइंट हम लोगों ने रखा है और उन लोगों को इनाम भी दिया जाएगा जो इस स्वच्छतम रैंकिंग में आएंगे। एक फीडबैक फॉर्म भी हम लोग जनता को दे रहे हैं। उस फीडबैक फॉर्म से भी हम लोगों को कई बातें पता चलेगी और ऑनलाइन भी फीडबैक फॉर्म जारी किया जा रहा है। ठीक, जिसके जरिए हम लोगों को जो एक्चुअल फीडबैक जनता के द्वारा मिलेगा, तो यही हम सबकी इच्छा है कि आने वाले समय में दुर्ग नंबर वन आए और जिसका पूरा प्रयास माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में नगर निगम की पूरी टीम द्वारा किया जाए। ठीक, सर्वेक्षण 2022 की तैयारी के संबंध में हमने अलग अलग
हमने सुखा अभियान चलाया, फिर हमने कर्मचारियों को सम्मान दी, एक दिन पूरा शहर के लोग दूरभर के ऊपर रखा गया। उसी तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। अभी हम स्वच्छतम दुर्ग प्रतियोगिता हम एक लोगों के बीच में करा रहे हैं, जिसमें अलग अलग लेवल के जो यहाँ संस्थान हैं, खास करके बैंक है, स्वच्छतम वार्ड है, अपने अपने गार्डन है, जो घर में जो किचन गार्डन बनाते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा शासकीय कार्यालय हैं और मोहल्ला है और आंगनबाड़ी है, तो इस प्रकार से अलग अलग हम संस्थान के लिए कंपटीशन कराना चाह रहे हैं, ताकि ये चीज़ उनमें जागरूकता फैले कि कंपटीशन के द्वारा हम कौन अच्छा काम हम कर सकते हैं। तो उसमें जब आपस में जब कंपटीशन होगा तो निश्चित ही वो लोग जो इसमें स्वच्छता में जो कुछ रुचि रखते हैं वो बिल्कुल उसमें फोकस करेंगे, और फिर हम उनको यदि हम पुरस्कार देते हैं तो यह हमारे शहर के लिए एक अच्छा भी चीज़ रहेगा, और उससे बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। ये हमारा मेन ध्येय है, जो अल्टीमेटली ये है कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए ही यह स्वच्छता अभियान और स्वच्छता प्रतियोगिता हम करा रहे हैं। फीडबैक हम लोगों से हम अभी मंगा रहे हैं, जिसमें लगभग 20 सवाल हैं जो मोस्टली हमको पूछा जाता है स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान। इसमें क्योंकि जो कॉल आता है वह दिल्ली से डायरेक्ट आता है, और दिल्ली से आने के बाद ये जो जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन में यदि निगेटिव की जाती है तो हमको भी निगेटिव मार्किंग मिलता है। लास्ट समय बहुत ज़्यादा हम लोग इस समय इसमें पिछड़े हुए थे, हम काफ़ी फोकस किए हुए हैं, तो ये फीडबैक हमें जितने क्वेश्चन आए हैं वो मोस्टली क्वेश्चन में यदि हमको किसी चीज़ में हमको निगेटिव भी आता है तो हम उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे आने वाले 2 महीनों में। इसी कारण फीडबैक फॉर्म हम लोगों को भी दे रहे हैं। उसके अलावा उसी फीडबैक फॉर्म से ही ऑनलाइन भी हम सबमिशन मंगा रहे हैं, ताकि हम ऑनलाइन उसको कंपाइल भी कर सकें और तत्काल हमको रिजल्ट मिल जाए। तो अल्टीमेटली यही है कि लोगों को हमको जागरूक करना है, और स्वच्छता सर्वेक्षण में उनका जो योगदान है उनकी सहभागिता हमको बढ़ानी है। उनके सहयोग के बिना वार्डवासी और जिलोवासी सहयोग के बिना हम नंबर वन नहीं ला सकते। इसमें हमारे माननीय विधायक अरुण वाला जी, माननीय महापौर जी बागलीवाल जी एवं प्रभारी पोखर जी और समस्त पार्षदगण का सहयोग हमेशा प्राप्त रहा है, और ये बाकी आने वाले भविष्य में उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। तो मैं सभी को इसमें अपील भी करूँगा कि हमको सहयोग समस्त दूरवासी की ओर से मिलता रहे, ताकि हम नंबर वन रहें। स्वच्छता 2022 के विषय में आज जो है आज उद्घाटन किया गया है, आपको मैं बताना चाहूँगा 2021 में हमें 17वां स्थान स्वच्छता में पूरे देश में मिला है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, इस बार तीसरे बार प्रदेश में स्वच्छ छत्तीसगढ़ का इनाम मिला। इसी तरह हमें नगर निगम दुर्ग में 17वां स्थान हासिल हुआ है। इसके अलावा ODF प्लस प्लस का भी हमें अवार्ड मिला है, और आपको बताना चाहूँगा फ्लैक्स में जो जागरूकता सफाई और स्वच्छता के लेकर होती है उसमें देश में हमें पहला स्थान मिला है। सेक्रीफाई जो कचरों को हम अलग अलग करते हैं उसके लिए हमें देश में प्रथम स्थान मिला है। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि स्वच्छता को लेकर हमारी एक मुहिम जो है छेड़ दी है, बैंक हो, गार्डन हो, आपके हमारे घर हो, स्लम बस्तियां हो, इस तरह से पूरे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, हम लोग स्वच्छता को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि शहरवासी भी हमारा समर्थन करें, साथ दें, क्योंकि उनके बगैर हम अधूरे हैं। आज जो हमें 17वां स्थान मिला है, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 2022 स्वच्छता 2022 में हमारे देश में हिंदुस्तान में नंबर वन आए। इसके लिए हम लोग कमर कस लिए है, और पूरे हमारे दुर्ग शहर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण वोरा जी, महापौर धीरज बाकलीवाल जी, आयुक्त हरेश मंडावे जी, हमारी स्वच्छता की पूरी टीम, सारे लोग लग गए हैं। आप लोगों से मैं शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि हमारे दुर्ग शहर को नंबर वन लाने के लिए आप भरपूर सहयोग करें। जिस तरह आप अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरह शहर भी आप ही का घर है, उसे भी साफ करने का और साफ सुथरा रखने का अधिकार है। और आप इस काम में, इस मुहिम में आप लोग जुड़ जाइए, और हमारे दुर्ग शहर को पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन लाने के लिए कांधे से कांधा मिलाकर मेहनत करिए। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ, और दुर्ग शहर को सुंदर बनाने के लिए जरूरी है, कचरा न फेंको इधर उधर, या शहर भी है आप ही का घर। मैं स्लोगन के द्वारा आपको बोलना चाहूँगा, संबोधित करना चाहूँगा कि हमारा साथ दें, और दुर्ग शहर को पूरे देश में पहला स्थान लाने के लिए कांधे से कांधा मिलाकर कार्य करें। जी, ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।